गौर प्रेमानंदे थोड़ी सी आगे आ जाओ, थोड़ थोड़ आगे आ जाओ, एकदम खिसक कर बैठ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ थोड़। अब एक एक गोपी दो दो गोपियों का स्थान लेकर बैठे कीर्तन पार्टी, एक जनता पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी, कीर्तन पार्टी, इसका बीजेपी पार्टी उसको भी एक साथ हरे कृष्णा हरि बोल, इसको इको हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण ठीक ठीक हरि बोल हरे कृष्ण हाँ बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 जोर से बोलो हरे हरि बोल हम लोग रुक जाए समय है ना मेरे पास बैठो हरे कृष्णा हम लोग बड़े सौभाग्य बाद जो गुरु वैष्णव के आनुगत्य में श्री गिरिराज तलेट में हम निवास कर रहे हैं। इसलिए पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे कहते श्री गिरिराज गोवर्धन की महिमा को कौन गा रही थी, बोले ब्रज की गोपियां और ये श्रीमती राधा रानी। पीछे आवाज पहुंच रही है ठीक है, कहती है ब्रज की गोपियां और श्री राधा रानी ये ब्रज की महिमा को ये गा रही थी। की गा रहे क्या बोल रही थी, बोले हंताय अद्रियबला हरिदास वर्ज जयत राम कृष्ण चरणा स्परसम प्रमोदम। इसलिए गिरिराज की महिमा गा रहे हैं, बोले हंताय हंताय मतलब होता है आश्चर्य होकर कह रहे हैं। बड़ी बड़ी ये सौभाग्य की बात है, क्या बड़े सौभाग्य की बात है, कहते ये जो गिरिराज गोवर्धन है, कहते ये गिरिराज गोवर्धन कौन है, कहते ये हरिदास वर्ज, कहते ये हरिदासों में सबसे बड़े श्री गिरिराज गोवर्धन है, सबसे बड़े है। इसलिए इसको पर में श्री टीका में श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कहते हैं, कहते महत कृपा बिना कौन कर्म में भक्ति नए। माता जी पीछे जो बैठे हैं ना उनको पीछे को आगे मत भी करो, हाँ पीछे हाँ जो पीछे बैठे और थोड़ा आगे आ जाओ, हरे कृष्णा कुर्सी वाले पीछे बैठ जाओ, बिना कुर्सी के आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जो पीछे वाले बिना कुर्सी के आगे आ जाओ, जो हाँ ठीक है जो जमीन में बैठेगा वो जमींदार है और जो चेयर में बैठेगा वो चौकीदार है। हरे कृष्णा अभी देख लो चौकीदार बनोगे कि ना जमींदार बनोगे, हाँ बैठ जाओ बात मत करो। इसलिए कहते महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नाए, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नाहक है। इसका मतलब है कहते जो भगवान की जो भक्ति है ना ये भक्ति कहाँ से मिलती है, जैसे आज आप लोग गिरिराज में आए हो, गिरिराज की चरण में वास कर रहे हो हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हो, किसकी कृपा से, जरूर आपको ऊपर में किसी महत किसी साधु का कृपा हो गया है।
है, किसी साधु की कृपा आपके ऊपर में हो गया है। इसलिए जब तक किसी साधु की कृपा नहीं होना भैया, समझो जीवन में कुछ भी होने वाले नहीं है, कुछ भी होने वाले नहीं। इसलिए श्री रघुगण महाराज हैं, कहते भरत रघुगण को क्या कहते हैं, बोले रघुगण ही न तपस्या न जाति न इजया निर्पाप न गृहात्वा नैव छंदाग्नि जल अग्नि बिना महत पदो रजो विषकम्। इसलिए श्री भरत महाराज कहते हैं, बोले हे रघुगण महाराज, कहते जो भगवत जो भक्ति है ना, न तपस्या, कहते तपस्या करके अगर कोई बोले हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, वो तपस्या से भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकते है। कहते न जाति, अगर कोई बोले उच्च कुल में जन्म होने पर हमें भक्ति मिल जाएगा, बोले उच्च कुल में जन्म लेने पर भी भक्ति नहीं होगी। नहीं बस छंदाग्नि, अगर कोई बोले हम वेद पाठ करके भक्ति हमें मिल जाएगी, बोले भैया वेद पाठ करके भी कुछ होने वाले नहीं। बोले जलाग्नि में दिन रात जल और अग्नि को हम दिन भर पूजा कर रहे हैं, क्या उससे भगवत भक्ति मिलेगा, बोले नहीं। बोले आप सब नहीं 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 करते है कैसे, बोले है केवल एक ही कारण से मिल सकती है, कहते बिना महत पदो रजो विषयकम। बोले जब तक तो कि किसी महापुरुष की शरण में नहीं आओ, किसी साधु की शरण में नहीं आओ ना, भले ही जीवन में जो कुछ कर दो कुछ होने वाले नहीं। इसलिए श्री राय रामानंद प्रभु कहते हैं, महाप्रभु के साथ में जब उनकी वार्तालाप हो रही थी, बोले कृष्णा रस भाविता मती, पीछे आवाज आ रही है, कृष्णा रस भाविता मती क्रियताम कुतप यदि लभ्यते तत्र लौल्य मूल्य मेकलम कोटि सुकृत्रे अपि न लभ्यते। इसका मतलब है अगर किसी भाग्य से, गुरु जी कहा करते थे, अगर किसी भाग्य से अगर हमें किसी सत्पुरुष साधु का हमें दर्शन हो जाता है, हैं? किसी साधु की संग और किसी साधु पुरुष की अगर हमें संग की प्राप्त हो जाए, तो गुरुदेव कहते थे अगर सर को अगर काट करके अगर देना पड़े तो उसको दे दो, हैं? और ऐसे संग को खरीद कर लो। बोले क्यों, बोले ऐसे भगवत भक्तों का संग से जितने जल्दी जैसे तुमको भगवत भक्ति मिलेगा, बोले जैसे भगवत भक्ति कैसे मिलता, बोले सुकृति, जैसे मानो हमारे पूर्व जन्म का कोई सुकृति होगा, हम लोगों ने कोई अच्छे कर्म किया होंगे गुरु वैष्णव के लिए, कोई अच्छे कर्म किए होंगे तभी आज हमें ये साधु संघ की प्राप्ति हुई, आज हमें गुरु जी की दर्शन मिला और आज ये गिरिराज तलहटे में हमें निवास मिला है, तभी तो मिला है ना। जैसे देखो कुछ विदेश की भक्त लोग, विदेश भक्त भी है भैया, वो तो रशिया में कोई जन्म लिया, कोई लंदन में, कोई फ्रांस में, कोई जर्मनी में, इन लोगों ने भक्ति, इन लोगों ने जन्म लिया है, लेकिन इतने दूर से फिर इन लोगों के अंदर में भक्ति की भावना कैसे आई। देखो ये महीना महीना के लिए कोई कोई आए, कोई तो वृंदावन में वास कर रहे हैं, विदेशी लोग वृंदावन में वास महीना महीना तक आकर के यहाँ पर भजन कर रहे, रह रहे हैं यहाँ पर, ब्रज वास कर रहे हैं। लेकिन आप देखना हमारे भारत में भी कुछ लोग है जो कि यहाँ पर नहीं आए, लेकिन ये विदेश से आ गए, विदेश से कैसे आ गए, फिर ये भारत के लोग फिर क्यों नहीं आए, कारण है इनको पूर्व जन्म की जो संस्कार है ना, इनकी नहीं है, इनकी है। और इनकी और एक विशेष बात है, इनको विदेश में रहने पर भी इनको किसी शुद्ध वैष्णव का दर्शन मिला है। जैसे हमारे गुरु जी गए हैं, हमारे गुरु जी की बड़े गुरु जी की कृपा हुई है, उनकी कृपा से ही आज ये लोग गिरिराज गोवर्धन में, तब भी यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन में आए, नहीं तो ये गिरिराज गोवर्धन में नहीं आ पाते। इसलिए कहते हैं करोड़ करोड़ सुकृत को द्वारा जो वस्तु प्राप्त हो सकती है, लेकिन अगर शुद्ध किसी साधु का दर्शन मिल जाए ना, कहते ये आसानी से ही, कहते करोड़ सुकृत से जो वस्तु नहीं मिलेगी, कहते वो साधु संग से वो वस्तु प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर श्री राधा रानी कहती हैं, जब तक किसी साधु की कृपा नहीं हो, इसलिए यहाँ पर गुरुदेव कोटेशन करते हैं, बोले अनाराध्य राधा पदम भोज रेणो
अनाश्रित वृंदावनम तत अटवीम असंभाष्य तद भाव गंभीर चिता कुतः श्याम सिंधु रस श्यावगा। अगर किसको कृष्ण भक्ति रस समुद्र में अगर किसको गोता लगाना हो कहे तो उनको पहले आप तीन चीज को अपनाओ। कितना चीज को अपनाओ? तीन चीज को अपनाओ तब भी आपको भगवत भक्ति मिल सकती है। बोले वो तीन चीज क्या है? बोले पहला चीज है बोले अनाराध्य राधा पदा भोजरेणु है। कहते कृष्ण की भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की कहती है राधा रानी की अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु। जब तक श्री राधा रानी की चरण की धूल को आश्रय ग्रहण नहीं करोगे। बोले दूसरी चीज क्या है? बोले वृंदाव श्री राधा रानी की अंकित चरण के द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम को जब तक कोई आश्रय ग्रहण नहीं करेगा। और जगत में जो सबसे बड़ी जो चीज है वो चीज क्या है? बोले राधा रानी की भक्ति रसों में जो डूबे हुए जो साधु है, बोले ऐसे साधु का चरण में जब तक आश्रय ग्रहण नहीं करोगे। कहते कुतः श्याम सिंधु रसस्या बगाह। कहां भैया तुमको कृष्ण भक्ति समुद्र में तुम कहां गोता लगा सकते हो? असंभव है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं और महत में सर्वश्रेष्ठ महत कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी हैं। इसलिए इनका नाम राधा। राधा मतलब क्या है? बोले कृष्ण न आराध्यते इति राधा। कृष्ण भी जिन चरण को पूजा करते हैं बा कृष्णम समाराधयते इति राधा। जो स्वयं कृष्ण की चरण की पूजा करती हैं ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए यहाँ पर गुरु जी कोटेशन करके कहते हैं बोले हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्ज्य। कहती है गिरिराज गोवर्धन कौन है? बोले जितने हरि की दासों में ये सर्वश्रेष्ठ दास है। भगवान की जितने दासों में सर्वश्रेष्ठ दास कौन है? श्री गिरिराज गोवर्धन है। बोले गिरिराज महाराज की। तब कहते भैया उन्होंने कल हम लोग सुन रहे थे हरिदास हरिदास बर और हरिदास वर्ज्य तीन है। कहते हरिदास कौन है? युधिष्ठिर महाराज है। ये श्री हरिदास है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ऐसे ये हरि का दास है। इनको पांच प्रकार भक्तों में कौन सा भक्त में गिना गया था? प्रेमापर है। ये प्रेमापर भक्त है। विश्व ब्रह्मांड कृष्ण पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण इनकी प्रेम में इतने वशीभूत है भगवान कृष्ण भी इनकी पूजा करते हैं। कृष्ण भी इनकी पूजा करती हैं। इनका दूत बन जाते हैं इनकी हैं। इनको म्यासा जल बन जाते हैं। इनकी जब पंचपांडव विश्राम करते हैं ना कभी कभी कृष्ण चौकीदार बनकर उनको रखवाली भी करते हैं। कृष्ण हैं भक्तों के लिए रखवाली करते हैं। इसलिए उसमें एक भजन गाए ना बोले सबसे ओचे प्रेम सदाई सबसे ओचे प्रेम सदाई प्रेम के बस अर्जुन नर सहाको प्रेम के बस अर्जुन नर सहाको भूल गए ठाकुराई ओ भूल गए ठाकुराई सबसे ओचे प्रेम सगाई सबसे ओचे प्रेम सगाई। इसलिए भगवान क्या कहते बोले प्रेम के बस अर्जुन रथ हमको। भगवान इनकी पांडवों की भक्ति में इतने वशीभूत है इतने वशीभूत। उन्होंने कौन सा काम किया? सारथी का काम किया। जिस समय कृष्ण के पास में अर्जुन भी पहुंचे और कौन पहुंचे? हमारे दुर्योधन भी पहुंचे। कृष्ण सो रहे थे। कृष्ण दोनों को बुलाए। इतने में कृष्ण तो सो रहे थे जानबूझ करके आंख बंद किए हुए थे और अभी दुर्योधन आया। बोले किधर बैठे? हमको किधर बैठनी चाहिए? बोले कृष्ण के चरण का तरफ में क्यों बैठेंगे? हम साधारण थोड़ी है। कृष्ण के सर का तरफ में बैठेंगे। इसे दुर्योधन आकर के कृष्ण के सर का तरफ बैठेंगे। लेकिन अर्जुन तो भक्त हैं।
बोले मेरे को कहाँ बैठनी चाहिए, बोले प्रभु के चरण में बैठनी चाहिए, इसलिए अभी उन्होंने चरण में बैठे। अभी कृष्ण का जब नींद खुली, जब उन्होंने बैठेंगे पहले किसका नजर, कौन पहले नजर में आएंगे, अर्जुन। कृष्ण बोले अर्जुन तो कब आए हो, इतने में दुर्योधन कहते नहीं अर्जुन पहले नहीं आया, मैंने बैठा। बोले पहले तो मैंने अर्जुन को देखा। बोले नहीं उसको पहले मैं आकर बैठ गया। बोले ठीक है कोई बात नहीं। इतने में कृष्ण बोले देखो तुम लोगों को मेरे को महाभारत युद्ध में मांगने के लिए आए ना, एक तरफ में मेरी नारायणी सेना है, सात अखोणी नारायणी सेना हजार हजार, और दूसरे तरफ में मैं अकेला और निहत्या, फिर मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए इतने में दुर्योधन बोले दुर्योधन तू पहले तुम ही मांगो, पहले क्या मांगो तनखा, तुम पहले मांगो। बोले ये निहत्या युद्ध नहीं करेगा और अकेला, इसको लेकर क्या लाभ है, ये तो बेकार है, कोई काम का नहीं, बेकार है। इतने में हैं बोले मेरे को नारायणी सेना दे दो। अर्जुन तो बड़े चिंता में पड़ गए थे, भगवान ठाकुर जी इसको बोले पहले तू मांग, अभी क्या मांग लेगा, अगर ठाकुर जी को मांग लेगा तो गया है, लेकिन दुर्योधन दुष्ट है, इसका बुद्धि कहाँ सही है। बोले हमें तो नारायणी सेना चाहिए। अर्जुन को बोले अर्जुन तुम बताओ क्या चाहिए। बोले प्रभु आप ही चाहिए, हमें आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोले मैं नियत्या है, मैं हो सकता है मैं सारथी का काम कर सकता हूँ। बोले प्रभु जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सारथी है जो दिशा दिखाने वाले, अगर जीवन में हमारी कोई दिशाओं को दिखाने वाले व्यक्ति सही है ना, बस कहाँ पहुंच जाओगे ठाकुर के चरण में। अगर हमें कोई दिशा दिखाने वाले कोई व्यक्ति नहीं हो ना, सीधा नरक पहुंच जाओगे। मैंने ही जीवन में तुम्हें जो दिशा दिखाएगा। बोले प्रभु हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं, अब अकेले ही हमें चाहिए और हमें मार्ग दिखाने वाले, बस ठाकुर जी सारथी बन गए। इसलिए प्रेम के वश उन्होंने क्या किया, जब राजस्व यज्ञ हो रहा था सबके सब बड़े बड़े सेवा छांट लिया, सब बड़े बड़े सेवा छांट लिया हैं, लेकिन अभी दो सेवा रह गया सबसे जो घटिया सेवा है। बोले भोजन करने के बाद झूठा पतल कौन उठाएगा, और जो ऋषि मुनि लोग आएंगे उनकी जुत्ती कौन संभालेगा, और इनको चरण कौन धोएगा। लेकिन भगवान कृष्ण बोले मेरे को यही दो काम दे दो। मेरे को पता था ये दो काम कोई लेने के लिए राजी नहीं होगा, लेकिन भक्तों का भगवान, इतने पांडवों का प्रेम में बसीभूत है भगवान, भगवान कहते मैं जिनका जुत्ती संभालूंगा, ऋषि मुनि ब्राह्मण का चरण धोऊंगा, और खाने के बाद झूठे पतले को मैं उठाऊंगा। इसलिए भगवान इनके प्रेम में समझो ठाकुर जी कितने बसीभूत पांडवों का प्रेम में। इसलिए उनको कौन सा भक्त बताया, कहते प्रेमा पर भक्त बताया, और जो दूसरे नंबर का जो इनको बताया प्रेमा पर, इसलिए ये पहला नंबर हरिदास। बोले दूसरा नंबर हरिदास कौन है, बोले हरिदास बर है, बर मतलब हरिदास के जो श्रेष्ठ। कहते ये कौन है, बोले श्री उद्धव जी है, उद्धव जी को बताए। बोले भैया उद्धव जी का क्यों बताए, क्या कारण है, कल हम लोग उसका कुछ कारण को श्रवण कर रहे थे। उद्धव जी कृष्ण के कितने प्रिय हैं, इतने कृष्ण की प्रिय उद्धव जी। जब बचपन में उद्धव जी कृष्ण का मूर्ति को लेकर के खेलते थे, जब सोते थे ना कृष्ण की मूर्ति को गोद में रखकर के कृष्ण सोते थे ना, उद्धव जी सोते थे कृष्ण की मूर्ति को लेकर जब खेलते थे। मैया जब भोजन के लिए बुलाती थी, बेटा भोजन करने के लिए आ जाओ, वो नहीं आते थे, वो नहीं आते थे, और कृष्ण की चिंता में इतने डूब जाते थे, इतने डूब जाते थे। कहते कृष्ण उद्धव को खड़े कर दो ना, अब नहीं पहचान पाओगे इसमें उद्धव कौन और कृष्ण कौन है, दूर से पहचानना बड़ा कठिन है। ऐसे कृष्ण की एकाकारत्व, और ये कौन है, बोले भगवान की अत्यंत अत्यंत प्रिय भक्त है, इसलिए इनका नाम उद्धव, बोले उद्गत तमः, जिससे संपूर्ण तम निकल गया, जो एकदम विशुद्ध सत्व है, जिनका हृदय संपूर्ण विशुद्ध सत्व है, ये उद्धव जी। इसलिए भगवान क्या कहते, उद्धव तू मेरे जितने प्रिय है ना, कहते मेरे बेटा ब्रह्मा भी इतना प्रिय नहीं, हरि हर एकात्मा श्री शंकर भी इतना प्रिय नहीं, मेरी की अंकसायनी लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं,
बोले श्री बलदेव प्रभु ये भी इतना प्रिय नहीं, कहते मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं, उद्धव तुझे इतना प्रिय हो। इसलिए कृष्ण जब उन्होंने सोचा ब्रज में हम किसको भेजे, ब्रज में मैं किसी को भेजू, तब उन्होंने भेजा, किसको भेजा उन्होंने, उद्धव जी को भेजा। बोले उद्धव जी का क्यों भेजा, कारण क्या है। बोले कारण है यहाँ पर तीन चार कारण बताते हैं विश्वनाथ को ठाकुर, क्यों कृष्ण उद्धव जी को ही क्यों ब्रज में भेजा। तब उन्होंने देखा कृष्ण अभी ब्रजवासियों को विरह में कृष्ण रोते हैं, और जो ब्रजवासी कृष्ण विरह में रोते हैं, दोनों दोनों के लिए रोते हैं, हैं? अब देखना अगर आपकी कोई बहुत ज्यादा दुखी आप हो, लेकिन आपको दुख को कोई समझने वाले कोई व्यक्ति हो, आप उसको पास में अपना दुख को प्रकाश करो, देखना हृदय हल्का हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा क्रोध है ना, उसको जितना क्रोध करने दो, छोड़ दो, जितने दिन में सब निकाल दे, बोल बाल कर दी, अब देखना सारे निकाल देगा ना, हृदय शांत हो जाएगा, क्योंकि उसको जब तुम भड़ास था ना, वो भड़ास सबके सब निकल गया। लेकिन अगर अंदर अंदर में रहेगा ना, फिर जो क्रोध फिर बढ़ते रहेगा। अगर दुख भी अगर हो, किसको अंदर बहुत ज्यादा दुख हो, आप दुख किसको बोल दो जो कि तुम्हारे दिल को समझने वाले हो, देखना आपका हृदय का जो दुख है ना वो शांत हो जाएगी, है शांत हो जाएगी। इसलिए कृष्ण अभी ब्रजवासियों का विरह में बड़े दुखी, लेकिन कृष्ण यहाँ पर ऐसे कोई व्यक्ति मिलते नहीं जिसको अपना दुख को बात बता दे, कोई मिलते नहीं इसको। इसलिए कृष्ण अंदर अंदर में घुटन सा हो रहा है, घुटन सा हो रहा है, लेकिन जो ब्रज गोपियां है ना वो सम भाव के, एक ही भाव के, इसलिए हृदय की बात को वो खोल करके बोल करके ना हृदय को वो शांत कर देते हैं। इसलिए कृष्ण ने सोचा अभी भैया मैं जो बताऊंगा ब्रज की जो प्रेम की बात बताऊ, कौन यह समझेगा, कोई समझने वाले है नहीं। हाँ अगर किसी व्यक्ति को मैं वृंदावन में भेज दूं, कहते तो वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी में जो प्रिंसिपल है श्रीमती राधा रानी, बोल राधा रानी की, कहते तो वहां सब प्रोफेसर कौन है, बोले ये ब्रज गोपियां जितने सबके सब प्रोफेसर है, हैं। अभी जैसे आप देखना कोई बहुत ज्यादा हाई फाई कॉलेज हो जाए ना, बहुत हाई फाई कॉलेज, वो साधारण स्टूडेंट को वो नहीं लेते हैं, वो हाई फाई स्टूडेंट को ही वो लेंगे, साधारण मार्क रखने वाले व्यक्ति को एडमिशन ही नहीं कराते हैं। कृष्ण ने देखा जो ब्रज है वो बहुत हाई फाई कॉलेज है, अभी वहां पर कौन एडमिशन हो सकता है, वहां पर कौन एडमिशन हो सकता है। उन्होंने पूरा मथुरा में ढूंढा, कोई उनको एडमिशन के लिए कोई स्टूडेंट मिला ही नहीं, ऐसे कोई मार्क जो बढ़िया मार्क कोई मिले नहीं। लेकिन उनको देखा एक व्यक्ति तो है, लेकिन वो पूरा क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, थोड़ी बहुत है, कौन है, श्री उद्धव जी, ये उद्धव जी हैं। इसलिए उद्धव जी पहले जब कृष्ण भेज रहे थे ना, उद्धव जी बोले अरे ये ग्वालिनियों को समझाना मेरे लिए थोड़ी कोई बड़ी बड़ी बात, मैं तो चुटकी बजाते, इतने बड़े मैं ज्ञानी हूँ, वृषिनाम प्रवर मंत्री, कृष्ण मेरे से परामर्श मांगते हैं, कृष्ण को मैं स्वयं एडवाइस देता हूँ, है कृष्ण को, और कृष्ण मेरे मित्र है, सखा है, और कृष्णा है, मैं स्वयं बृहस्पति का मैं शिष्य हूँ, ये ग्वाल इन्या कंडा बिनने वाली जंगल में रहती है, इनको समझाने थोड़ी कोई बड़ी भारी कष्ट कोई कष्ट होगा। लेकिन कृष्ण को पता था उद्धव जो अभिमान से लेकर जा रहे हैं, लेकिन उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी बाजे प्रेम की बोल। उद्धव तो बड़ा अहंकार लेकर गए थे कृष्ण, इसलिए बोलते बोलते देख उद्धव तू तो जा रहे हो, लेकिन एक काम करियो। बोले क्या काम करना, बोले कोशिश करना जितना दूर हो सकता है उनको समझाने के लिए कोशिश करना, लेकिन जब तुम किसी तरह से तुम समझा नहीं पाओगे ना, एक काम करियो। बोले क्या है, बोले तुम बैठ जा, बैठ करके आंख बंद कर दो, बैठ करके आंख बंद करके तुम सबके सब कृष्ण को स्मरण करो, और मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। सचमुच से जब उद्धव जी किसी तरह से उनने जो जो बात बताने के लिए कोशिश की ना, समझाने के लिए, सबके सब उल्टा पड़ रहा था, जो जो उन्होंने बात बताई नंद बाबा को, बोले अब तो बड़े सौभाग्यवान, भगवान स्वयं परम ब्रह्म परात्पर तत्व भगवान है, इसलिए कितने सौभाग्यवान आप कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किए हैं, आप जैसे इतने सौभाग्यशाली कोई हो सकता है। नंद बाबा क्या बोले, बोले मैं तो सोच रहा था
कृष्ण के पास में रहते रहते थोड़ा अक्कल थोड़ा हो गया होगा, बुद्धि हो गया होगा। अभी तो मूर्ख के मूर्ख ही तुम हो, हाँ तो मूर्खों के मूर्ख भी हो हैं। तेरे जैसे मूर्ख तू कह रहे हो कृष्ण भगवान परात पर तत्व परम ब्रह्म उसको पुत्र रूप में प्राप्त किया, अगर ऐसे किसी हैं व्यक्ति को पुत्र रूप में प्राप्त करके उदाहरण दिया, जैसे कोई एक व्यक्ति रास्ता में कोई एक पड़ा हुआ था पत्थर, उसने देखा कोई चमकीले पत्थर है, उनने चमकीले पत्थर को लाए और अपना बेटे को खेलने के लिए दे दिया। वो बेटा खेल रहा था लेकिन खेलते खेलते किसी जोहरी ने सोनार ने देख कर बोली ये तो हीरे हैं, ये तो अरब खरब रुपया है, हैं? वो जोहरी ने देखा था लेकिन उसका बच्चा खेलते खेलते कैसे उसको गुम कर दिया, खो गया। लेकिन किसी ने आकर के बोला किसी जोहरी सोनार ने, ए तेरे बेटे को देखा मैंने, इतने कीमती चीज से खेल रहा, तो हीरे था वो तो अरब खरब रुपया के, लेकिन वो खो गया। अब बताओ वो व्यक्ति सुनकर दुखी होगा ना खुश होगा? दुखी हो जाएगा ना, मैंने हीरे मिला था और मैंने बच्चे को खेलने के लिए दिया, बच्चे ने खो दिया। तो उसी तरह मैंने परात पर तत्व भगवान को बेटे रूप में प्राप्त करके फिर वो भगवान को मैंने खो दिया। मेरे जैसे दुर्भाग्य जगत में कोई क्या होगा? जगत में मैं सबसे बड़ा दुर्भागा हूँ। आप कह रहे हो सौभागा में सौभाग्यवान, इसलिए उनने किसी तरह से उनको सांत्वना नहीं दे सका। फिर ब्रज गोपियों ने तो ऐसे ऐसे प्रश्न गोपियों ने किया ना, ए गोपियों का तो कथा सुनकर को एकदम उत्तर निरुत्तर हो गए हैं गोपियों ने जो उनको प्रश्न किया है। फिर राधा रानी का प्रेम को जब उन्होंने देखा देख करके तो उद्धव सुद्धव उद्धव पूरा सीधा हो गया है, एकदम सीधा हो गया। और लास्ट में ब्रज गोपियों की प्रेम की प्रार्थना की, राधा रानी की चरण की धूल को प्रार्थना की, ब्रज गोपियों की चरण की लता पता जन्म लेने के लिए प्रार्थना की। अगर जगत में किसको जीवन धारण करना सार्थक होता तो किसकी? बोले ये ब्रज गोपियों का है, क्योंकि कृष्ण के प्रति इनकी जो दिव्य भाव है, जो भाव को ब्रह्मा भी प्रार्थना करते हैं, शंकर भी प्रार्थना करते हैं, जो भाव को मैं स्वयं प्रार्थना करता हूं है। इसलिए कहते जो सौभाग्य स्वर्ग के देवियों को जिनकी शरीर से कमल फूल की खुशबू निकलती है, जो सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त किसको हुआ? ये ब्रज गोपियों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए उन्होंने उद्धव जी को उन्होंने भेजा है उद्धव जी। इसलिए उद्धव जी को क्या कहते हैं? ये प्रेमा पर भक्त हैं। इसलिए लेकिन गिरिराज गोवर्धन को क्या कहते हैं? गिरिराज कौन है? बोले हंताय अद्री अबला, कहते हरिदास वर्ज। बोले जितने हरिदासों में ये गिरिराज गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ हरिदास है। बोले श्री हरिदास की, बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की। इसलिए कैसे ये गिरिराज गोवर्धन हरिदास वर्ज्य श्रेष्ठ है, हम इसको कल सुनेंगे। मुझे लगता है कल भी कठिन है, हाँ? परसों क्या है? परसों क्या है? परसों कौन सा परिक्रमा है? परसों और कल भी दोपहर में वापस आ जाएंगे, रावल में प्रसाद होगा। हाँ ठीक है, अभी हमारे बीच में विपिन महाराज जी है, ये आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। बड़ी बहुत सेवा करते हैं प्रभु जी, हर तरह से तन मन धन हर तरह से प्रभु जी सेवा करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं प्रभु जी हर समय। इसलिए आपको प्रभु जी क्या कथा सुनाएंगे? श्री विपिन प्रभु जी, विपिन महाराज। क्योंकि दो दो माइक लगा हुआ। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बोलो सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के थोड़ देता हूँ, ठीक है? आवाज सही था पहले। बोलो गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रणाम, तदनंतर समस्त रूपान गुरु वर्ग यहाँ उपस्थित परम पूजनीय श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम, समस्त
वैष्णव वृंद, मातृ वृंद, श्रोत्र वृंद, हरि कथा के पास हो, इस कार्तिक मास में गुरुपाद पद्म की हेतु की और उनके ही कृपा कटाक्ष का आश्रय लेकर के उपस्थित हुए सभी भक्त लोगों को मेरे थे आपके प्रणाम। हरे कृष्णा। मूलतः अगर इस बात पे विचार किया जाए कि जीव के अपने पुरुषार्थ की गति कहां तक है, अगर इसका अवलोकन किया जाए तो धर्म अर्थ काम तक ही जीव के पुरुषार्थ की गति है। अपने सामर्थ्य से धर्म इत्यादि का पालन करके, अर्थ उपार्जन करके अपनी इच्छाओं की तृप्ति करना, ये जीव के पुरुषार्थ की सीमितता है। इससे अत्यधिक बात की जाए, वो भी भगवत कृपा से ही जीव को मोक्ष इत्यादि प्राप्त हो सकता है, वो भी संभावना कम है लेकिन उसको मान लिया जाए। लेकिन अपने पुरुषार्थ से किसी को ब्रजवास मिले यह संभव नहीं। अपने पुरुषार्थ से कोई व्यक्ति अपने धन बल से, अपने जन बल से, अपने बाहुबल से, अपने तप बल से अगर कोई यह सोचे कि उसको श्री वृंदावन वास मिला है तो वो अनभिज्ञ है, अनजान है। महाराज जी ने बात कही ना कि बिना किसी महत्पुरुष की रज में अभिषिक्त हुए बिना, या बिना किसी महापुरुष के करुणाद्र दृष्टि के पथ पर आए बिना असंभव है कि किसी को कार्तिक मास में श्री वृंदावन आने का अवसर जो है प्राप्त हो जाए। तो यह जीव के पुरुषार्थ से परे की बात है। क्यों जीव के पुरुषार्थ से परे की बात है? हमारे रूप गोस्वामी पाद एक बात कहते हैं हम वेदांतिक नहीं है, हम लोग वेद इत्यादि कि उस रहस्य में प्रवेश नहीं करना चाहते, क्योंकि वेद का मंथन करने के बाद भी जो अंतिम स्थिति है वो क्या है, श्री कृष्ण चरणारविंद भक्ति। तो हम वेदांती नहीं, हम तार्किक भी नहीं है, हम तर्क के बल से भगवान को जानने वाले वह भी नहीं है। हमारी परिस्थिति क्या है? रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि कपट आभीर कैशोर किंकर। वृंदावन में जो इसने कपट मूर्ति धारण कर रखी है ना, वृंदावन में किसने कपट मूर्ति धारण की है? श्री कृष्ण ने। परब्रह्म है लेकिन परब्रह्म होकर के भी कपट मूर्ति धारण करके जो वृंदावन के वीथनों में और वृंदावन के कुंजों में श्री विश्वानंदिनी के साथ जो स्वच्छंद विहार कर रहा है ना, ऐसे कपट करने वाले अभीर किशोर के किंकर हैं हम। और उस कपट अभीर, उस कपट करने वाले श्री कृष्ण के किंकर पद को प्राप्त किसके माध्यम से किया जाता है? उसी कामना को लेते हुए ही यह समस्त दामोदर मास की प्रत्येक क्रिया की जाती है। पद्म पुराण में भद्रिका आश्रम में श्री कार्तिक महात्म्य में 14 अध्याय हैं, और उन 14 अध्यायों का अगर आप थोड़ा सा भी श्रवण करेंगे, एक बात तो स्पष्ट रूप से प्रकट होगी कि अनजाने में गुरुपाद पद्म हमें कितने वर्षों से उस पद्म पुराण के प्रत्येक वाक्य का अनजाने में हमसे पालन करवा रहे थे। इस बार जब पढ़ा तो लगा हो एक एक वस्तु ऐसे प्रकट होकर के आई कि मानो गुरुपाद पद्म हमें तो नहीं बताया पुराण से, हम तो पुराण नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक एक क्रिया को ऐसे लगा कि श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का चरित्र अभूतपूर्व रूप से सामने प्रकट होने लगा। ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस कार्तिक महात्म्य में एक बात कही, कहा कि देखो नारद जी, कार्तिक महात्म्य में विशेष करके वैष्णवों की सेवा करने का विधान है, और यह बात तो अनुभव गम्य भी है और यह बात सर्वथा सिद्ध है कि भक्ति तत्व अत्यंत सरल होते हुए भी अत्यंत गंभीर है। वो सरल तब हो जाता है जब किसी सरस वैष्णव की दृष्टि हम पर पड़ जाती है। जब किसी सरस वैष्णव की दृष्टि हम पर पड़ जाती है तो क्या होता है, वो भक्ति का मार्ग जो बड़ा गुह्यतम है, गुरुपाद पद्म में कहते हैं कि ग्रंथ स्वाध्याय करने से भी वो नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यास देव ने हर श्लोक के हर अक्षर पर एक चाबी लगा रखी है। वो चाबी किसके पास है? वो चाबी वैष्णवों के पास है। वैष्णव जनों के निकट बैठ करके ही वास्तविक रूप में इस धाम की महिमा को सुनने से चित्त में एक प्रकार का, आप ये मानिए
कि चित्त में एक प्रकार के आंदोलन की अनुभूति होती है कि जो शब्द हम सारा जीवन पढ़ते आए थे लेकिन उन्हीं शब्दों को जब वैष्णवों के निकट पढ़ते हैं तो उसका एक भिन्न अर्थ जो है प्रकाशित होता है। वही गिरिराज गोवर्धन है, परिक्रमा करने जाते हैं है? और वापस आते हैं, हाय 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 लगा रखा होता है, मेरा पैर में कांटा चुभ गया, ये हो गया, क्या सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। लेकिन किसी साधु के पीछे पीछे चलते हैं तो पता भी नहीं चलता कि परिक्रमा कब पूरी हो जाती है। साधु के पीछे चलते कैसे होता है पता भी नहीं चलता। जिन मार्गों में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे पहाड़ों पे हम लोग चल जाते हैं, गर्मी के अंदर चल रहे होते हैं, ऐसी कौन सी ऊर्जा शक्ति है। तो देखो श्री वृषभान नंदिनी की कृपा का साक्षात अनुभव ही यही है कि जिन स्थानों पर हम जाते हैं और भूमि पर बैठ जाते हैं वहां पर हम वैसे तो नहीं बैठते लेकिन अब बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि आत्मा को जो सुखानुभूति हो रही है ना उनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी क्रिया में वो सुखानुभूति प्रकट हो जाती है। क्रिया में वो आपको दिख जाता है कि कुछ ना कुछ विशेष जो है प्राप्त हो रहा है। कल हम भोजन थाली गए थे हमारे श्री कवि कर्णपुर शिवानंद सेन के पुत्र हैं, छोटे से बालक थे शिवानंद सेन जी, उनको श्रीमद महाप्रभु के निकट लेकर के आए। छोटे से बालक को जैसे आप मंदिर में छोड़ देते हैं, छोटे से बालक है अपने घुटनों के बल पे घुटमन घुटमन करते हुए श्रीमद महाप्रभु के निकट पहुंच गए और श्रीमद महाप्रभु के अंगुष्ठ को, उनके अंगूठे को अपने मुंह में ले लिया। श्रीमद महाप्रभु के अंगुष्ठ को मुंह में जो ही उन्होंने पान किया सब भक्तों ने जय घोष किया, बोले हे श्रीमद महाप्रभु आपके चरण कमल का स्पर्श नहीं किया, आपके चरण कमल को मस्तक नहीं नवाया, आपके चरण कमल का प्रत्यक्ष पान किया है, अंगुष्ठ का पान किया है। और विज्ञान कहता है इस बात को, हम साधुओं के चरण छूते हैं ना, आज साइंटिफिक एविडेंस है इस चीज का, मनुष्य की सारी ऊर्जा जो होती है उसके चरणों में होती है। इसलिए जो साधु लोग होते हैं ना उनके बहुत साधु लोग अपने चरण को छूने नहीं देते, अब कहते नहीं नहीं हमारे अपने निकट मत आइए, क्योंकि जीव क्या करता है वो तो अपवित्र है, अपवित्र आकर के साधु को स्पर्श करता है। लेकिन जो श्रेष्ठ साधु होते हैं वो क्या कहते हैं, छुओ, जैसे गोपांगनाओं ने कहा ना रज ले जाओ, कृष्ण का मस्तक दर्द हुआ तो नारद जी ढूंढ रहे ठाकुर जी को, बोला अरे आपके किसी, ठाकुर जी ने कहा मेरे किसी शुद्ध भक्त की रेणु ले आओ, ठाकुर जी ने तो नारद जी ने कहा असंख्य है, बोले जाकर के पता तो करो कौन लेने वाला है, रुक्मणी जी इत्यादि के पास, रुक्मणी जी ने कहा क्या बात कर रहे हो, जिस श्याम सुंदर की रज हमें अपने मस्तक पर लगाने चाहिए उसकी रज को हम देंगे मरक जाएंगे का, तो बोले महाराज हम तो सोचे थे आपके बहुत से भक्त है लेकिन तो एक व्यक्ति आपको रज दे के राजी नहीं, तो बोले क्या करो, बोले वृंदावन जाओ वहां से आपको ट्रक भर के मिल जाएगा। नारद जी आए, नारद जी वृंदावन आए, गोपांगनाओं को केवल इतना ही कहा कि श्री कृष्ण के मस्तक में थोड़ा दर्द है, थोड़े बीमार है, गोपांगनाओं ने कहा ले जाओ, अरे तुम्हें नर्क जाने का भय नहीं है, अरे बोले कृष्ण के लिए कोटि कोटि नर्क हम सहने को तैयार है, लेकिन श्याम सुंदर को हम इस तत् सुखी सुखित्वम भाव में इतनी प्रतिष्ठित है ना कि कृष्ण को थोड़ा सा भी कष्ट हो वो हम सहन नहीं कर सकती है, ले जाओ कोटि कोटि नर्क जो है हम अपने आप जो है सह लेंगे। ये वृंदावन है। श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी हमारे बड़ी सुंदर, उनका लेख पढ़ रहा था मैं उस दिन, बोला अहर एव गति प्रेमना स्वभाव कुटिलम भवे, प्रेम का स्वभाव बड़ा कुटिल है, समझ नहीं आता ऊपर ऊपर से। वो परम ब्रह्म जिसको ना जाने कितनी अभ्यर्चना की जा रही है, पूजा की जा रही है, वो परम ब्रह्म वृंदावन में क्या कर रहा है, सुबह सुबह उठता है मुखारविंद कमल की तरह प्रफुल्लित है और मैया के निकट जाता है और सुबह सुबह जाकर के माता को बोलता है हे मैया हे जगाधीश्वरी। अब सुबह सुबह उठ करके आप किसी की तारीफ करो सामने वाला बोलता भैया क्या काम है, मैया के नाम के आगे इतना बड़ा टाइटल लगा दिया हे जनाधीश्वरी, मैया ने करे लाला सही सही बता रहे क्या काम करो, माता से कुछ नहीं छुपता, दुनिया में सबसे कुछ ना कुछ छुप जाएगा, क्यों नहीं छुपता, क्योंकि बालक जब व्यक्ति बालक होता है ना तो उसमें कपटता तो होती नहीं है, जितनी भी भाव भंगिमाएं होती है ना बालक की वो माता समझ जाती, तो बड़ा भी हो जाए भाव भंगिमा नहीं बदलती, सब छुप जाएगा माता से नहीं छुपेगा। माता को बोला जनाधीश्वरी, माता ने कहा क्या काम बता जल्दी। ये ऐसी सुंदर लेखनी है हमारे आचार्यों की, मैं हतप्रभ हो जाता हूं। अगर रूप गोस्वामी जी ने ये बात कही है ना कि कोटि कोटि जिवाएं हो जाए, मैं तो कहता हूं उसमें भी अतिशोक्ति नहीं कही है, ऐसी लेखनी ऐसी प्रबुद्ध लेखनी है, ये गौड़ीय साहित्य क्या वस्तु है और ऊपर से गुरुपाद पद्म क्या वस्तु है, और गुरुपाद कहां से हमारे जीवन में आए, ये घटना कैसे घटित हुई, इस पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
कि कैसे हो गया, पालन नहीं कर पा रहे हैं, मौखिक लिखित रूप से केवल समझ पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके उनके उस चरित्र को देख करके, उनके उस राधा पक्षीय भाव को देख करके कि कैसे एक मंजरी हमारे जीवन में आई, हमारा तो सामर्थ्य नहीं था, वो हमारे निकट आए। कृष्ण आते हैं, बोले हे जनाधीश्वरी मैया, कहते लाला जल्दी बता के अपना मित्र को, बोले माता मेरे मन में, भाषा में विचार करिएगा, मेरे मन में विशुद्ध वन में भोजन की तीव्र लालसा जग रही है। अगर ये बोल देंगे कि वन विशुद्ध नहीं है तो मैया ये कह सकती है लाला वन में तो बहुत से हिंसक प्राणी हैं, तो पहले काउंटर आर्गुमेंट पहले दे दिया कि अगर मैया बोलेगी कि वन में तो हिंसक प्राणी है, ठाकुर जी ने पहले ही बोल दिया वन क्या है, बड़ा विशुद्ध है, और आप कौन है, आप मंगलमयी है, अच्छा और मेरी लालसा भी मंगलमयी है, तो मंगलमयी व्यक्ति मंगलमयी लालसा को रिजेक्ट नहीं करता, इसलिए आप मान जाइए, ऐसा ये बोला। अब देखो प्रार्थना बड़े बड़े सुष्ट रूप से की, ठाकुर जी ने कहा मैंने इतनी सुंदर संज्ञाएं दी है, मैया मान जाएगी, बन जाने मना तो न करेगी, मैया ने झट करके बोला ना, खत्म, रिजेक्टेड, दुनिया बोल रही है हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, ठाकुर दिए जा रहे हैं, ठाकुर जी खुद रिक्वेस्ट करनी पड़ती मैया के पास जाकर, मैया मेरे को वन जाने दे, बोले ना मतलब ना, स्वीकारेंगे नहीं तुम्हारी। फिर बड़ा अनुनय विनय किया, नहीं हमें वन जाने दीजिए, हम भोजन ग्रह में तो बहुत बार कर चुके हैं, राजपुत्र हैं, हम वन में भ्रमण करना चाहते हैं। अंततः मैया मानी, और जो ही मैया ने श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया, मानो श्री मैया के हृदय में अनंत कोटि वात्सल्य समुद्र उमड़ आया, और शीघ्राति शीघ्रतम बड़ी ही द्रुत गति से पाकशाला की ओर भागी, और जाकर के अनगिनत मात्रा में ऐसे ऐसे पदार्थ बनाए। हम कल वर्णन कर रहे थे, मैंने कहा उसका वर्णन सुबह सुबह तो नहीं करना चाहिए, सुबह सुबह 7 बजे अगर किसी को वैसे पदार्थों का वर्णन कर लिया जाए, मैं उत्तम प्रभु से बात कर रहा था, बोले इसका वर्णन मत करो, सारे के सारे परिक्रमा छोड़ करके ब्रह्मासी की दुकान पर ऐसा तो ना करो, आप उन पदार्थों का वर्णन सुन लीजिए आप, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, कल की तैयारी कर लो। क्या कह रही हैं भैया, कभी कर्णपुर सुंदर बात कहते हैं, कह रहे मैया ने जो छेना बनाया ना, मैंने किससे पूछा, मैं छेना मुर्गी क्यों कहते हैं, बोले पता नहीं, छेना तो समझ में आता है, मुर्गी क्यों कहते हैं पता नहीं, चलो बोले जा रही दुनिया, बोले छेना छेना ऐसे लग रहे हैं कि आकाश से ओले गिर गए हैं, लेकिन भूमि पे गिर करके टूटे नहीं है, वैसे के वैसे ही पड़ रहे हैं। मालकुओं का आकार कैसा है, बिल्कुल गोलाकार चंद्र के समान है, है? और मैया ने जो पापड़ इत्यादि बनाए, लड्डू लड्डू इत्यादि को देख करके देवताओं का मन लुब्ध हो रहा है, मोदक, हाँ उनका मन कर रहा है ये पहले हमें ही मिल जाए, ऐसे अपरिमित मात्रा में मैया ने बनाया। कवि कर्णपुर कह रहे हैं जैसे मैया के वात्सल्य की कोई सीमा नहीं है, ऐसे ही उन पदार्थों की भी कोई सीमा नहीं है, इतना। और सखा लोगों के नेत्र जो है बड़े हो जा रहे हैं, जितने पदार्थ आए जा रहे हैं सखा लोग बड़े, ये तो सब हमें मिलने चाहिए। कृष्ण का सुनो हे लोभी, सब तुम सबके सब सुनो, जितने जो सखाओं ने सारे पदार्थ देखे वो जाकर के भागे लेने के लिए, जूही लेने के लिए भागे। ठाकुर जी ने कहा अरे भैया समझो, जो शुष्क पदार्थ है ना, जो रूखे हैं सूखे हैं नीरस हैं, ऐसे पदार्थों को ले लो, बड़ा सिद्धांत वित्त बात कही, जो सूखे पदार्थ है वो सब तो ले लो, रूखे पदार्थ ले लो, और जो सरस है स्निग्ध है सूरस है उन सबको छोड़ दो। सखाओं ने कहा क्यों, बोले ये सूखे पदार्थ पता कैसे है, अध्यात्मवादियों की तरह है, भगवान निराकार है, भगवान निरंजन है, भगवान शक्ति है, ऐसी 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 बातें, भगवान का आकार नहीं है, रूप नहीं है, लीला नहीं है, कुछ नहीं है, बुद्ध आप मैं मायावाद की जीवनी पढ़ रहा हूँ, तुम दिमागी घूम जा आदमी का, और परम गुरुदेव क्या बात कर रहे, अंत में लगता सारी फिलोसफी एक है, परम गुरुदेव बता रहे बुद्धवाद क्या कहता है, तुम भी नहीं हो मैं भी नहीं हूँ, कि जो हो रहा है ये भी नहीं है, सब शून्य है, ये सब असत्य है उनकी दृष्टिकोण में, ऐसे ऐसे इस तरीके की वार्ता करते हैं ना। इन्होंने वृंदावन आज तक प्रवेश नहीं किया, वृंदावन प्रवेश किया होता तो ऐसी वार्ताएं कब की स्थगित हो जाती। वृंदावन महिमा में श्री प्रबोधन सरस्वती एक बात कहते हैं श्री विश्वभानंदिनी जब मुख को ऊपर करके चंद्रमा को देख कर लेती है तो चंद्रमा भी कहता आज मेरे उगने का कोई तात्पर्य नहीं है, आकाश की ओर देख लेती है श्री विश्वभानंदिनी, और जूही देखती है उज्जवल चंद्र भी कहता है अरे हमारा जीवन बेकार है।
विश्वानंदिनी जिस जगह दृष्टिपात करती है ना, वह पुष्पित जो कमल होते हैं, कमल कहते हैं हमारा जीवन बेकार हो गया। और वृंदावन की रात पता कब होती है? लोग कहते हैं वृंदावन में रात हो गई, और वृंदावन में अमावस्या कब होती है? वृंदावन के रसे कहते हैं कि वृंदावन में अमावस्या तब होती है जब गोरी राधिका काले श्री कृष्ण को आलिंगन कर लेती है, तब वृंदावन का दिन होता है। और जब काले कृष्ण श्री विश्वानंदिनी का आलिंगन कर लेते तो जय दिन अमावस्या है। वृंदावन की अमावस्या भी जो है साधारण नहीं है। कृष्ण आलिंगन कर लेते अमावस्या आ जाती है, श्री विश्वानंदिनी आलिंगन कर लेती है श्री कृष्ण को, तो दिन जो है उदित हो जाता है। ये स्वभाव है वृंदावन का। वृंदावन में कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों ना आ जाए, प्रबोधन सरस्वती पाद कहते यत्र संतम वसंतम श्री राधा पदारविंद आशा, संभव नहीं अगर कोई व्यक्ति वृंदावन आए और वृंदावन की वायु में जो श्री राधा दास्य तत्व, श्री राधा दास्य की भावना जो बह रही है उससे स्पर्श ना हो, संभव नहीं अगर कोई वृंदावन आता है। तो हम लोग कितने सौभाग्य हैं, हम ना केवल हमें वृंदावन आए नहीं, हम लोग लाए गए। तुम यहाँ नहीं हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है, आसान नहीं है। हमारे श्री भक्ति रक्ष श्री रमनाथ जी ने ग्रंथ लिखा द लविंग सर्च ऑफ अ लॉस्ट सर्वेंट, कि मेरा एक दास मुझसे घूम गया है, उसको मैं ढूंढ रहा हूं। प्रश्न है क्या हम भगवान को ढूंढ रहे हैं या भगवान हमें ढूंढ रहे हैं? आप बताइए, आप हम ढूंढ रहे हैं भगवान को या भगवान हमें ढूंढ रहे हैं? भगवान ढूंढ रहे हैं। और भगवान हमें ढूंढ रहे हैं उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है हमारे निकट वैष्णव बैठे। ये भगवान की ये भगवान का मैड सर्च कैंपेन है, सर्च मेरा सर्च वारंट निकाल रखा है, ढूंढ करके निकाल रहे हैं सबको। ऐसी उनकी गति है। नाम श्रेष्ठम गुरु मुख्य शिष्य पुत्र मत्र स्वरूपम श्री रूपम तस्य उरुपरि माधुरि गोष्ठवाटी श्री राधा कुंदन गिरिवर मोह राधिका माधवाशाम प्राप्त्यस्य प्रतित कृपया श्री गुरु तम नतमस्तु। श्री भक्ति रक्ष श्रीधर महाराज जी कहते नाम श्रेष्ठ, मेरे को ये नाम किसने दिया? श्री गुरु ने मुझे। मुझे श्री सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी के विचार में किसने अभिषिक्त किया? मेरे श्री गुरु ने। मुझे श्री राधा कुंड की महिमा ऋषभ धनुज नाशात धर्मोक्ति रंगे, जहां पर वार्ता हो रही है ऋषभ को मारने के पश्चात असुर माध्य रिष्टास्त्र श्री ठाकुर जी निकट आने लगे, बोले दूर जाओ, बोले कि तुम अपवित्र हो। बोले हम पवित्र, हमारा नाम लेने से दुनिया पवित्र हो जाती है, हम कहां से पवित्र हो गए? बोले ना ना ना, उल्टी गति है, जाओ सब जगह स्नान करके आओ। और जिन्होंने प्रकृतम अपनी वृंदावन राज्ञा प्रमोदे, जिन्होंने बड़े प्रमोद से बड़े हर्ष से इस तरह की सुरभि राधा कुंड एवं आश्रयों में ऐसे राधा कुंड का निर्माण किया। और कृष्ण भी जिस राधा कुंड पर नित्य प्रति जाते हैं, कटाक्ष प्राप्त कामों प्रकामों रोज जाते हैं वहां पर राधा कुंड में, क्या करने जाते हैं? विश्वानंदिनी जब अपनी सखियों के साथ खेल रही होती है ना, तो खेलते खेलते कभी क्या होता है, उनका जो सुंदर प्रफुल्लित मुखारविंद हंसता हुआ जो मुख है ना, वो हंसते हुए कृष्ण को एक बार देख ले बस, केवल इसीलिए जाते हैं। प्रसरकृत कटाक्ष प्राप्त कामों प्रकामों अनुसरती स्नान उच्चे सेवान बंदे, जैसे हम लोगों ने सेवा का व्रत लिया है, श्री कृष्ण भी सेवा करने किसकी? राधा कुंड में रोज जाकर के स्नान करने के। ये हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रत्यक्ष देख रहे हैं इस चीज को, कैसे कृष्ण रोज आते हैं यहाँ पर और केवल एक कृपा कटाक्ष की वांछा करते कि हे राधे, आप हमारी ओर केवल एक बार दृष्टिपात कर दीजिए बस। हमारा भी वही विचार है, सच बोले हमें दृष्टिपात के हम वैष्णवों से कर वैष्णवों के सामने हाथ जोड़े, हे गुरुवर्ग आप हमारी तरफ एक बार सिर्फ दृष्टिपात कर दीजिए। परिक्रमा में देखिए, जब आप कुछ निरुत्साहित होते हैं, कुछ थके होते हैं, है? दूर से कोई भी सद वैष्णव आपके निकट एक बार देख ले बस, आप एक बार कंधे पे हाथ रख के पूछ ले हावी कैसा, सारी थकान खत्म। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। परिक्रमा में चलते चलते निरुत्साहित भी होते हैं, किससे द्वंद भी हो जाता है, कोई कहता तूने मुझको रबड़ी नहीं दी, किसी ने कहा तूने मुझे पेटा नहीं दिया, झगड़े भी होते, सब चीजें होती है ना, लेकिन वो सारा का सारा सामंजस्य काम हो जाता है। वो सारा सामंजस्य होता है जब कोई वैष्णव आपकी ऊपर देख लेता है, और देखने मात्र से क्या होता है, ऐसे लगता है कि साक्षात श्री कृष्ण या इस मामले साक्षात श्री किशोरी जी की करुणाद्र दृष्टि ही हमको देख रही है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, श्री कृष्ण को आकर्षित करना बहुत दूर की बात है, वैष्णवों की सेवा करने के माध्यम से वह कुछ हमारे निकट आ जाए। दो चार मिनट बोलूंगा वार्ता, वही बिल्कुल कुटिल वार्ता, कभी कहां जा रही है कहां जा रही है, ये लीला करके जाना है महाराज जी वहां बुला। कह रहे सुनो, कृष्ण कहा कि सारे के सारे पदार्थ ले लो,
ये अध्यात्मवादियों वाले सारे के सारे पदार्थ ले लो। बोले क्यों ले लो? बोले अध्यात्मवादियों का चित्त बड़ा नीरस होता है। ब्रह्मण भगवतस्य भूमन स्वच्छंद वर्तिता, काल्य चरित्र में आरंभ में कह रहे हैं, हे ब्रह्मण, ये कृष्ण तुम्हारा व्यवहार बड़ा स्वच्छंद है, कुछ समझ में नहीं आता। कृष्ण लिख करके नहीं लाए थे आज इस असुर को मारना है, सुबह उठ करके दो चार मैसेज मार दिए, वो लिख करके नहीं लाते कि आज इस असुर को मारेंगे, कल उसको मारेंगे, उसको मारेंगे। स्क्रिप्ट हमारी तरह नहीं है, 9 बजे उठो, 9 बजे बजाओ, 5 बजे उठो घर आओ, 9 बजे उठो सो जाओ। ये सारी लाइफ तो बोर्ड में पूरी की पूरी बोर जाता है आदमी, इससे रोज सुबह उठे फिर भी काम, फिर भी काम, फिर भी काम। हम लग रहे हैं हम स्वच्छंद, स्वच्छंद कहाँ है? हम तो बंधे हुए हैं शरीर में। शरीर कह रहा है सो जाओ, मन कह रहा है जगे रहो, शरीर कह रहा है सो जाओ, मन कहता है मैं बात करता रहो, करता रहो, करता रहो, लेकिन शरीर कह रहा है सो जाओ। लेकिन कृष्ण क्या है? स्वच्छंद वर्ती है, उनकी इच्छा, उनकी लीला पर अंकुश नहीं है। वो उनकी गति कैसी है उनको स्वयं को नहीं पता कि वो किस दिशा में जाने वाले हैं। मैसूर का एक राजा था, वो जब चलता था ना उसको डर लगता था कि शत्रुओं को पता चल जाएगा, शत्रुओं को पता चल जाएगा कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो वो अपने ड्राइवर तक को नहीं बताता था कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। केवल गाड़ी में बैठता था, बस बैठता था और ड्राइवर को नहीं पता किस दिशा में मुड़ना है। और जब जब भी कहीं जाता उसके हाथ में छड़ी थी, उसको दाया मुड़ना तो दाया रख देता, बाया मुड़ना तो बाया। ड्राइवर कहता मुझे भी नहीं पता कहां जाना, क्योंकि वहां से भी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है शत्रु। ऐसी गति, तो कृष्ण की गति भी ऐसी है, बलदेव जी को भी नहीं पता चलता। और ब्रह्मा जी वो ले गए सारे के सारे, बलदेव जी भी 1 साल भैया लाला तू तो ये कृष्ण की स्वच्छंद गति है। तो सखाओं को कहा कि सारे के सारे पदार्थ ले लो। अच्छा फिर ये जो स्निग्ध पदार्थ है, ये सूरज पदार्थ जो है, कोमल पदार्थ है, इनको घर में क्यों रखे? बोले जिनके चित्त कोमल है ना वह तो श्री यशोदा जी के निकट रहने योग्य है। जिनका चित्त सरल है ना वो तो श्री यशोदा जी नंद भवन में रहने योग्य है। इस सुखों को भी अपने साथ ले लो, क्या होगा? अपने वन विहार की ऐसी लीला का दर्शन कराऊंगा, वापसी पे ये भी सारे के सारे बन जाएंगे। तो मैया रोज सूखे पदार्थ अध्यात्मवादियों की तरह बनाती, कृष्ण उन पदार्थों को लेकर के वृंदावन प्रवेश करते और वृंदावन की अपनी उस सखाओं के साथ जो स्वच्छंद लीला है और उससे भी उन्नत जो माधुर्य रस की लीला है उसका दर्शन करा करके इन आत्मवादियों के भी चित्त में आ जाता हो ये क्या हो रहा है? कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। रूप गोस्वामी बात बोलते कौन मानेगा कि यमुना पुलिन पर वह पर ब्रह्म गोपांगनाओं द्वारा वेणु नाद कर रहे हुए उस ताल पर जो है नाच रहा है, कौन मानेगा इस वस्तु को कि यमुना के उस पुलिन पर यह सब लीला जो है घटित हो रही है? तो इसका उत्तर तो अंततगत्वा एक ही है, वृंदावनम वृंदारण्यो उत्तम नास्ति नास्ति मम अधम कवाचित्। वृंदावन से उत्तम कोई वस्तु नहीं। जगत में आप कहीं चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वृंदावन से उत्तम कोई वस्तु ना थी और ना है और ना हो सकती है। नास्ति नास्ति और मम अधम कवाचित्। कौन कह रहा है? श्री ब्रह्मोदन सरस्वती पाद राधा, ये श्री वृंदावन महामृत के अंत में। मुझसे वृंदावन आपसे उत्तम कोई नहीं और मुझसे अधम कोई नहीं। अब इस अधम और उत्तम का मिलन कैसे होगा? प्रश्न तो यही है। वार्ता तो हमने सुनी, पर वार्ता सुनने के पश्चात इस अधम और उत्तम का मिलन कैसे होगा? बड़े ही सरल शब्दों में उन्होंने कह दिया कि राधा नाम न प्रावो स्यात मेलनम तयो। श्री राधा रानी के नाम से ही जो है, राधा रानी का नाम क्या है? सेतु है। ये सेतु ही जो है इस अधम और उत्तम को जो है एक साथ मिला सकता है। कृपयति यदि राधा बाधित अशेष बाधा, शुभानंदनी कृपा कर देंगी। और सच बोले कर देंगी, यह भी गलत भाषा है। शुभानंदनी की कृपा हो चुकी है, त्वयि रचयति राधा। श्री वृंदावन महिमामृत कह रहे हैं कि श्री राधा रानी अगर एक बार कह दे कि त्वयि रचयति राधा, अनाशात मित्र पलायित माया, जिस दिन वो कह देती है मैं रक्षा करूंगी उसी दिन ही माया जो है पलायन कर जाती है। और बोले जिस दिन माया पलायन कर जाती है उसके बाद अगर तुम चाहोगे भी सही ना तो अपने भीतर विकारों को नहीं ढूंढ पाओगे, अपने भीतर विकार ढूंढना असंभव हो जाएगा। बोले जिस प्रकार से आकाश में पुष्प ढूंढना असंभव है, बोले गगन कसून आकाश में पुष्प कौन ढूंढेगा, उसी प्रकार से श्री विश्वानंदनी हमारे लिए व्रत ले चुकी हैं कि मैं इनकी रक्षा करूंगी,
क्योंकि ना होता तो हम श्री गुरुदेव के निकट नहीं आते। हम श्री गुरुदेव के निकट आए हैं, उसका प्रमाण ही यही है कि विकेश विश्वभान नंदिनी के हृदय में की बात है कि त्वयि रचयति राधया, कि मैं इनकी अनाशात, मैं इनकी इस नाश से, मैं इनको इनका नाश नहीं होने दूंगी। उसी कारण से ही हमें यह सप्त सौभाग्य उदित हुआ है, मानव तन और श्री वन यह दुर्लभ संयोग। सबसे दुर्लभ संयोग है मानव तन मिलना, तो अवश्य दुर्लभ है, लेकिन मानव तन मिलने के बाद श्री वन मिल जाना ये उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। तो केवल और केवल वृंदावन इत्यादि की वार्ता सुने, गुरु वैष्णव के शरण में रहे, ये न के न प्रकार किसी भी तरीके से, हम लोग तो लुटते पिटते चलते रहते, कभी धक्का यहां मारते वहां मारते हैं, महाराज जी की विशेष विशेष कृपा है कि दिन रात जो है वह हमारी भक्ति का पोषण करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो किसी भी प्रकार से कि हमें अपने निकट रखें, इसके अतिरिक्त मैं अपने विषय में कहूं तो और कोई अन्यथा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। वश विश्वभान नंदिनी राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। बोलो आ जा, हाँ खड़े हो जा, हाँ। हरे कृष्ण, जल्दी जल्दी आप भी कुछ बोलो। वंदे गुरु पदम भक्तवृंद समन्वितम् श्री चैतन्य वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनम वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजन समायुक्तम् वृंदावन मनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हम दोपहर में वृंदावन से गोवर्धन यहाँ पे आए, गोवर्धन, तो कुछ भक्त लोग शिकायत कर रहे थे कि हमें जो है मतलब प्रसाद जो है ठीक से नहीं हुआ। तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि आज प्रसाद ठीक से ना मिलने के कारण मतलब स्वादिष्ट नहीं हुआ है जैसे भी, तो भक्तों की जो है आवाज़ में थोड़ा दम कम है, इसलिए महामंत्र की आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। तो एक बार जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देखो शरीर को चलाने के लिए कुछ भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु असली बल जो हमें कहां से मिलता है, गुरु वैष्णव से। वो कैसा बल प्रदान करते हैं हमें, हरी कथा, हरी कथा कीर्तन के माध्यम से जो हमें बल प्रदान होता है वो हमें भोजन से नहीं मिल सकता है इतना, जितना हरी कथा के माध्यम से मिलता है। परम गुरुदेव श्री भक्तिवेदान नारायण गोसाई महाराज जी के समय में कितने भक्त लोग आते थे, देशी विदेशी बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते थे, और सबके अंदर कैसा आनंद होता था, बड़े आनंद और उत्साह के साथ परिक्रमा करते थे, हरी कथा श्रवण करते थे। परंतु अभी ऐसा देखने में नहीं आता, क्यों? ये सब समय का प्रभाव है। जिस समय परम गुरुदेव प्रकट थे उस समय प्रभाव अलग था, वो तो अभी भी है परंतु हम देख नहीं पा रहे अपने जड़ नेत्रों से। क्या हम देख पा रहे हैं अपने जड़ नेत्रों से, दर्शन होते हैं उनके? नहीं होते, लेकिन वो हैं अभी भी, प्रकट रूप में है, वो यहां भी विद्यमान है। किस रूप में? साक्षात गुरुदेव के रूप में विद्यमान है यहां पे, है कि नहीं? परंतु हम अपने जड़ नेत्रों से उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पूर्ण रूप से शरणागत होना पड़ेगा।
जब तक हम उनके शरणागत नहीं होंगे तब तक हम कुरुवर्ग को या भगवान को सही से समझ नहीं सकते। जैसे बोलते हैं कीर्तन में ना, शरण शरणागति हरिबे जहां तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो नंद कुमार तो प्रार्थना बाद में सुनेंगे, पहले शरण शरणागति कहां पर होनी चाहिए? गुरुदेव और वैष्णव के चरणों में होनी चाहिए। अगर वहां हमारी शरणागति वहां पर हो गई तो समझ लो हमारा सब काम हो गया। फिर उनको प्रार्थना हमें करनी ही पड़ेगी, वो अपने आप ही सुनेंगे, अलग से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुवर्ग और वैष्णव सब जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या है, उनको सब पता है हमारे हृदय में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सब जानते हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा? शरणागत होना पड़ेगा। बिना शरणागत हुए कुछ भी संभव नहीं है। अभी हम गुरुवर्ग की कृपा से सिद्धजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, स्थानों पर भी जा रहे हैं। अपने सब लोग अपने हृदय में झांक करके देखो, क्या हम सही से कथा श्रवण करवा रहे हैं? जो स्थान में दर्शन करने जाते हैं उनका सही से दर्शन कर पा रहे हैं हम? विचार करके देखो, मुझे तो लगता नहीं, बाकी आपको पता नहीं आपको दर्शन होते हैं या नहीं होते, मुझे तो होते नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे अंदर हमारे हृदय में एक प्रकार के अनर्थ पाप इत्यादि जो है अपना घर बना करके बैठे हैं। वो जब तक दूर नहीं होंगे तब तक हम जो है हरि कथा जो है उसको भी जो है ग्रहण नहीं कर सकते, और जो जहां पर दर्शन करने जाते हैं भगवान ने जहां सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं उसको भी दर्शन नहीं कर सकते। जैसे सुनते हैं एक समय सोदार जी कौन थे, वो जन्म से ही अंधे थे। किसी ने वो जो ठाकुर जी के दर्शन करते तो बड़ा आनंद से उसका वर्णन करते थे। किसी ने एक बार कहा उनसे, क्या बताओ ठाकुर जी ने क्या अलंकार धारण किया है, क्या उससे धारण किए? सुदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आज हरी नंगा नंगा, मतलब ठाकुर जी ने ना कोई वस्त्र पहने ना कोई अलंकार पहने। अब उनके तो नेत्र है नहीं लेकिन वो फिर भी दर्शन कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब गुरुवर्गों की वैष्णव की भगवान की कृपा है। क्या हम पर कृपा नहीं है? जब हम दर्शन नहीं हो रहे हैं हमारे, हम दर्शन नहीं कर पा रहे तो क्या हम पे कृपा नहीं है? कृपा है, परंतु हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम जो हैं माया के तीन गुणों से बंधे हुए हैं, सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण। जो जड़ जगत में है माया जगत में है, माया क्या करती है? हमें तीन गुणों से बांध देती है। अगर तीन गुणों से बंध गए तो क्या होगा? फिर दर्शन होंगे नहीं होंगे? जब तक ये तीन गुण दूर नहीं होंगे तब तक दर्शन और कृपा असंभव। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही शरण शरणागति हरि पे जहां तार्थ प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। शरणागत होना पड़ेगा पूर्ण रूप से। बिना शरणागत हुए हम जो है गुरुवर्ग की कृपा को भगवान की कृपा को नहीं समझ सकते। एक समय की बात है, एक नदी में एक मेंढक रहता था। उसे कहीं से आपने हमारे देसी भाषा में बोलते हैं चवन्नी, 25 पैसे जो होते हैं उसको बोलते हैं चवन्नी। उसको वो मिल गई। अब जब उसको मिल गई उसे जो है बड़ा गर्व हो गया अपने आप पर कि मुझे चवन्नी मिल गई। उसने क्या किया, वहां पर एक हाथी जो है रोज पानी पीने आता था, उसने वो अपने नीचे दबाई और अपने आप में कह रहा है कि हाथी यहां रोज पानी पीने आता है, आज उसे दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या चीज है। और इस अहंकार में जो है उस चवन्नी को नीचे दबा करके बैठा हुआ है। अब जब हाथी आया
तो हाथी का पैर जो से पड़ा तो क्या हुआ, धुआं उड़ गया थोड़ी देर उसका, चवंडी 1900 रखी रह गई। तो ऐसे ही जो है हमारी स्थिति है, हमें भी कुछ मिल जाता है संसार में तो हमें भी जो बड़ा गर्व हो जाता है ना, कोई वस्तु मिल जाए हमें उस बड़ा गर्व हो जाएगा, हाँ मैं सबा धनी कौन है, या कोई और अन्य उसको मिल जाए ऐसी गर्व हो जाता है। और उस गर्व को खंड कौन खंडन कर देता है, माया थोड़ी देर में उसको खंडन करती है, वो ऐसे ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करके शरणागत हो जाएंगे पूर्ण रूप से, तो हमारे गर्व क्या होगा, हमारे गर्व भी जो है नीचे आ जाएगा, हमारा जो अहंकार है वो भी नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार हमें फिर माया जो है हमारे ऊपर मेरे शरणागत हो जाता है तो बड़ी आसानी से इस माया जगत को पार कर लेता है। इसलिए हमें क्या होना पड़ेगा, शरणागत होना पड़ेगा, बिना शरणागत हुए हम कुछ भी समझ नहीं सकते। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, वांछा के पास हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम, जोर से बोलो बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा। हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं क्योंकि हम सबके सब श्री वृंदावन में ये कार्तिक व्रत पालन करने के लिए हम सबके सब आए हैं। श्री नारद जी भगवान से दो बार मांगे थे, कितना बार मांगे थे, दो बार में पहला नंबर वर था, बोले ठाकुर जी अगर कोई गुरु वैष्णव के आनुगत्य में श्री धाम वृंदावन में, नहीं तो भगवान की जगन्नाथपुरी जैसे नवद्वीप धाम है, अगर कोई गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ये ब्रज धाम को परिक्रमा करे और जहाँ पर जाए वहीं पर बैठे और वहीं पर कथा को सुने और वहाँ के जो धूल है वो धूल को अपना शरीर में लगाए, इसलिए कहते थे जैसे हम गिरिराज गोवर्धन में आए हैं, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये साधारण स्थान नहीं है, कितने ऊंची स्थान है श्री गिरिराज गोवर्धन, ये स्वयं कृष्ण ही गिरिराज और स्वयं हरिदास वर्ज्य है, सर्वश्रेष्ठ हरिदास, और उनको तलेटी में निवास करना जहाँ पर हमारे बड़े बड़े संत लोग गोस्वामी लोग जो गिरिराज तलेटी में निवास किया है, जहाँ पर शंकर भी यहाँ पर चौकीदारी का काम करते हैं, जहाँ पर लक्ष्मी भी प्रवेश नहीं कर पा रही है, लेकिन आज हम गुरु वैष्णव के आशीर्वाद से यहाँ पर आकर के बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ये कोई साधारण बात है क्या है, ये कोई साधारण बात मत समझो, यद्यपि हमारी उतना कोई सुकृति है ही नहीं लेकिन ये भगवान से वरदान नारद जी मांगे हैं, अगर उस स्थान पर कोई जाए और बैठे वहां की कथा सुने वहां धूल लगाए फल क्या मिलने चाहिए, बोले उसके हृदय में भगवान ने वहां पर जो ठाकुर जी लीला की है एक दिन वो लीला हृदय में प्रकाश हो और उसका हृदय निर्मल हो जाए, उसका हृदय शुद्ध हो जाए, भगवान ने तथास्तु किया। इसलिए गुरु जी कहते थे हम लोग जो जो जगह पर हम जा रहे हैं बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्थान में जा रहे हैं, साधारण स्थान पर हम नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम लोग का जरूर पूर्व जन्म का कोई अच्छा संस्कार है हम लोगों का, तभी हम लोग यहाँ पर आकर के बैठ करके गोवर्धन तलेटी में वास करते हुए वैष्णव का हम संग प्राप्त करते, ये पहला वर है। दूसरा वरदान है कहते प्रभु आपकी कथा सुन करके जैसे किसको कभी अरुचि नहीं हो, अरे बहुत कथा सुन लिया, सुनी सुनाई कथा को कितना सुनेंगे हैं, सुनी सुनाई कथा को कितना सुनेंगे, जैसे कभी उसके हृदय में अरुचि नहीं आए, अब बताओ हर साल आते हो हर साल भी यही कथा सुनते हो, अभी क्या अरुचि हो रही है, अगर रोटी अगर एक टाइम अगर रोटी नहीं मिले ना, हाय रोटी रोटी का मुंह आज दिन भर देखा नहीं, अगर भैया अगर रोटी में इतने स्वाद हो सकता है क्या भगवान की कथा में स्वाद नहीं है, हैं? इसलिए तुम्हारी कथा जितने सुने
एक समय राधा रानी को साथ में कृष्ण लीला कर रहे थे कुंज में, इतने में कृष्ण कुंज से निकल कर गए। जब निकल कर गए इतने में राधा रानी कह रही, बोले ललिते ये कौन है, ये व्यक्ति कौन है? बोले क्यों, अभी तो तेरे साथ में मिल करके? बोले नहीं, मैं तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं इनको, अभी अभी कृष्ण मिल करके जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कहते प्रतिपदम पूर्णाम मृत आस्वादनम, भगवान की भक्ति में जैसे तुम्हारे घर में ठाकुर जी हो, अब देखना सवेरे भी देखते हो, जब श्रृंगार करते हैं ना फिर भी देखते हो, फिर जब आरती करते हो तभी देखते हो, शाम को देखते हो, दिन भर देखते रहते हो। लेकिन देखना जब जब ठाकुर को देखो, कभी पुराना लगता है ठाकुर जी? कभी पुरानी लगती है? लगता है जीवन में पहला बार ठाकुर जी का हम दर्शन कर रहे हैं। इसलिए उनने ये वर मांगे, प्रभु जी तुम्हारी कथा सुन करके जितने सुने, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण कथा जय सोना ताधाई, कृष्ण कथा जय सोना ताधाई, रास विशेष जनत तीन नाई, कृष्ण कथा जो बोलता है कृष्ण कथा सुनते सुनते हम तो बोर हो गए। वो कहते मतलब वो रस क्या चीज को पता ही नहीं। इसलिए हनुमान जी बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, अगर करोड़ों जगह पर प्रभु राम की कथा होना, हनुमान जी से विश्राम दिया था, उसको आगे की कथा सुनाएंगे। एक दूसरे को मुंह देखने लगे, क्योंकि क्योंकि आज जो हम आज जो खाते है ना, कल पूछो ये याद नहीं रहता है, आज जो 2 घंटा बाद भूल जाते हैं। प्रभु कहते हैं और 1 साल पहले क्या कथा सुना था, थोड़ी याद, एक मुंह झांक रहे। वो जो कथा करते बोले लगता है यहाँ पर कोई कथा ठीक से नहीं सुनते, यहाँ पर कथा कोई नहीं सुनते हैं। गोविंद देव मंदिर से आवाज आई, बोले बाबा संत जी कैसे कह रहे हो कथा कोई नहीं सुनते? मैं कथा सुनता हूँ ना, मैं कथा सुनता हूँ ना, इसलिए आपने यहाँ तक कथा की थी, इसको बाद की कथा शुरू होगी। इसलिए आप देखना सूरदास जब भजन गाते हैं ना, अब कृष्ण स्वयं, अब देखना छवि है कृष्ण स्वयं कान लगा कर कृष्ण सूरदास की भजन को सुनते हैं। ऐसे कृष्ण कथा में इतने रस है। कलयुग में महाप्रभु का रूप में तो इसलिए आए ना, कृष्ण क्यों आए, कृष्ण में क्या रस है जिसको राधा रानी आस्वादन करती है, है? क्या आनंद है, कहते कृष्ण को ये बात पता नहीं। इसलिए कृष्ण स्वयं कृष्ण रस को आस्वादन करने के लिए कलयुग में श्री सच्चिदानंद श्री गौर हरि बन करके आते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान कार्तिक महीना में और श्री कार्तिक धाम में और राज कथा जो बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, हम जो साधारण भाग्य से नहीं सुन रहे, हमारे पूर्व पूर्व जन्म की विशेष विशेष कोई हमारी संस्कार है, ठीक है। श्री गिरिराज महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल, अभी कथा नाथ मंदिर में जाए, कथा वहां पर शुरुआत होगी, अभी वहां सुनेंगे, ठीक है।